बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 6.4 में आपको करवा रही हूँ। आज की वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स द फॉलोइंग। आपने इंटीग्रेट ही करना है, ठीक है, बाय पार्ट्स में करते हुए सॉल्व। अब पहला जो आपके पास पार्ट है इसका, वो है साइन ऑफ इंटीग्रल 3x कॉस 3x dx। अब इसको किस तरह से इंटीग्रेट बाय पार्ट्स के थ्रू करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पीछे आप इतने मुश्किल क्वेश्चंस कर चुके हैं तकरीबन कि आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, इतने कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। कि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़े थोड़े से जो है वो आपको डिफ़िकल्ट दे दिए जाते हैं, मगर आप जो है वो टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट आई इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रल 3x कॉस 3x और dx। अब u किसको लें, v किसको लें, तो देखें हम चेक कर लेते हैं। पहला फंक्शन जो है वो अल्जेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अगर अल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मौजूद हो तो अल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अल्जेब्रिक को यू लेंगे, अल्जेब्रिक पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो इसको लेंगे वी। तो हम लेंगे यू इक्वल्स टू 3x और वी इक्वल्स टू कॉस 3x, ठीक। यू का डेरिवेटिव लेंगे, यू का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x का डेरिवेटिव 3। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रल यू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू साइन ऑफ इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल यू का डेरिवेटिव साइन ऑफ इंटीग्रल वी डी एक्स और डी एक्स। यू वी, यू है 3x, वी है कॉस 3x और साथ में है डी एक्स इक्वल्स टू यू यानी 3x एज इट इज़, साइन ऑफ इंटीग्रल वी है कॉस 3x साथ में dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u साइन ऑफ इंटीग्रल वी ये कॉस 3x और dx, ठीक। अब इसको हमने करना है सॉल्व, 3x एज इट इज़ रखा, देखें कॉस 3x का इंटीग्रल, तो कॉस 3x का इंटीग्रल हमारे पास, देखें कॉस x का इंटीग्रल हमें डायरेक्ट लिखना है, समझ लें कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन में मौजूद है 3x, अगर इस 3x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो फिर आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 3 से हम यहाँ पर डिवाइड कर दें और 3 से हम यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई भी कर लें, ठीक है। मैंने साइन ऑफ इंटीग्रल 3, इसके लिए भी हमें यही करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड भी कर दें। अच्छा, यहाँ 3 मौजूद है, 3 से डिवाइड भी कर दें और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें। तो डिवाइड वाला हम इसी के नीचे लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई वाला हम कॉस 3x डॉट 3 dx और dx, आप चाहे इसी के नीचे डिवाइड में भी लिख लें, ठीक है। खैर 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स कॉस 3x, कॉस 3x का इंटीग्रल यानी कि 3x का इंटीग्रल आगे मौजूद है, डेरिवेटिव आगे मौजूद है 3, तो एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो आप इसका उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। कॉस 3x का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 3x माइनस साइन, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ गई। कॉस 3x से इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका आ जाएगा आंसर साइन 3x और साथ में आ जाएगा dx। अब x साइन 3x एज इट इज़, अब देखिए साइन 3x को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आगे 3x का डेरिवेटिव यानी 3 मौजूद हो तो हम क्या करेंगे 1/3 और यहाँ पर भी 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा x साइन 3x माइनस 1/3 एज इट इज़ रहा, साइन x मौजूद है साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस कॉस 3x और प्लस का सी। यह आ गया आपके पास इसका आंसर। अच्छा, बुक में जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पहले दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बाद में दिया गया है, तो ध्यान से आपने अपने आंसर्स रीचेक कर लें कि क्वेश्चन नंबर 4 का पहले दे दिया गया है बाय मिस्टेक और इसका बाद में है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, इसमें भी देखें अल्जेब्रिक है और है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अल्जेब्रिक को हम लेंगे यू
और ट्रिग्नोमेट्रिक को लेंगे हम वी। लेट करेंगे हम आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स और डी एक्स। यू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, वी हमने ले लिया साइन एक्स। यू का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे यू इंटू वी, एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, यू है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ इंट्रीगल, वी है साइन एक्स, माइनस साइन ऑफ इंट्रीगल डेरिवेटिव ऑफ यू, साइन ऑफ इंट्रीगल वी डी एक्स और डी एक्स। अब फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू, सब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज। साइन ऑफ इंट्रीगल साइन ऑफ इंट्रीगल है साइन एक्स, साइन एक्स का इंट्रीगल हमें पता है माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस टू बाहर ले लिया एक्स, साइन एक्स का इंट्रीगल हमें पता है माइनस कॉस एक्स होता है और ये डी एक्स, तो माइनस पहले लिख लेंगे। ठीक, और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो एक्स स्क्वायर देन कॉस एक्स और यहाँ से है माइनस, माइनस बाहर आ गई, माइनस माइनस प्लस टू और यहाँ पे है एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। अब दोबारा से देखें, यहाँ पर फंक्शन आपके पास दो आ रहे हैं जिनको आपको दोबारा से करना होगा सिंप्लीफाई। अब इसे इक्वेशन नंबर वन कह के हम दोबारा से इसे करेंगे, लेट आई वन इक्वल्स टू साइन ऑफ इंट्रीगल एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यू को हमने ले लिया एक्स और वी को हमने ले लिया कॉस एक्स, क्योंकि अल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, अल्जेब्रिक को यू लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक को वी। फॉर्मूले में पुट करेंगे यू, अच्छा यू का डेरिवेटिव भी लेना होता है, तो यू का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स का वन, एक्स वी है कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू यू साइन ऑफ इंट्रीगल वी डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंट्रीगल डेरिवेटिव ऑफ यू साइन ऑफ इंट्रीगल वी डी एक्स। एक्स एज इट इज कॉस एक्स का इंट्रीगल होता है साइन एक्स, माइनस वन एज इट इज कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का इंट्रीगल होता है साइन एक्स और ये वाला डी एक्स। सॉल्व करें एक्स साइन एक्स माइनस, साइन एक्स का इंट्रीगल होता है कॉस एक्स माइनस का, तो ये माइनस माइनस हो जाएगी प्लस कॉस एक्स और ये कॉन्स्टेंट सी। अब हम इसे वापस पुट करेंगे, पुट इट इन इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कॉस एक्स प्लस टू और टू के बाद ही आ जाएगा पूरा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये कॉन्स्टेंट सी। अब देखें टू अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स और ये प्लस का सी। अब देखें कॉस एक्स और कॉस एक्स दोनों के पास है, कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं हम, तो कॉस एक्स हमने कॉमन ले लिया। देखिए हम इसे पहले लिख रहे थे, इसमें से बचेगा टू, इसमें से बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये टू एक्स साइन एक्स एज इट इज़ आ गया और ये प्लस का कॉन्स्टेंट सी, ये हो गया आपके पास इंटीग्रेट। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन किस तरह से सिंप्लीफाई करने, कब हमें दोबारा से लेट करना है कि जब हमारे पास दोबारा से दो फंक्शंस बन जाए। ठीक, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते हैं इसका पार्ट थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट थ्री है साइन ऑफ इंट्रीगल एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब फंक्शन को हम लेट करेंगे आई के इक्वल। ठीक है, अब देखें तो फंक्शन हमारे पास जो मौजूद है उसमें एक्स भी है और कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन में है। अब अपॉन का जो फंक्शन होता है वो हम हमेशा ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यू वी का प्रोडक्ट का है। ठीक है, यानी यू और वी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं,
तो कॉट स्क्वायर एक्स को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो कॉट इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्स करने से बेहतर ये कि हमें पता है कि भाई वन अपॉन कॉट जो है वो 10 के बराबर होता है, तो वन अपॉन कॉट स्क्वायर जो है वो 10 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे एक्स 10 स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब हमारा क्वेश्चन हो गया काफ़ी सिंपल। अब यू और वी को हमें लेट करना होता है, तो देखें हमारे पास एलजेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हम एलजेब्रिक और टिग्नोमेट्रिक में देखें तो एलजेब्रिक पहले आ रहा है, टिग्नोमेट्रिक बाद में लिखा हुआ है। तो एलजेब्रिक एक्स जो है वो होगा यू और टिग्नोमेट्रिक जो है वो होगा वी। तो u इक्वल हो जाएगा x के और v होगा 10 स्क्वायर x के इक्वल। अब अगर हम रखें इसको 10 स्क्वायर x को v की जगह, तो 10 स्क्वायर x का इंटीग्रल भी हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वहाँ पर, जब हम फॉर्मूले में जो पुट करेंगे यानी u इंटू v का जो फॉर्मूला है कि साइन ऑफ इंटीग्रल u v dx बराबर है u साइन ऑफ इंटीग्रल v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u साइन ऑफ इंटीग्रल v dx और dx, तो हमारे पास इस फॉर्मूले में v जब हम रखेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल मौजूद नहीं होता। तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे इसी स्टेप में, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम एक्स का डेरिवेटिव, तो उसी वक्त मैं कर लूँगी इसको भी। टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के, तो यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ यू हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव वन, और यहाँ से वी बराबर हो जाएगा किसके, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के, ठीक। नाउ फॉर्मूले में पुट करें, साइन ऑफ इंटीग्रल u है x और ये है sec स्क्वायर x माइनस वन इज इक्वल्स टू u है x साइन ऑफ इंटीग्रल sec स्क्वायर x माइनस वन dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू साइन ऑफ इंटीग्रल वी डी एक्स और डी एक्स। सॉल्व करें, एक्स ऐसे ही आ गया। अब साइन ऑफ इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स के साथ भी है, वन के साथ भी, दोनों को अलग अलग दे दें, ठीक है। दोनों को जब हम अलग अलग दे देंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, और यहाँ पर भी हो जाएगा, अच्छा ये जो x है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ ब्रैकेट का, ठीक है। अभी x दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि x देखिए दोनों के साथ है, तो यहाँ पर आ गया वन डी एक्स माइनस, यहाँ पर ये वाला साइन ऑफ इंटीग्रल और वन एज इट इज़, इसके साथ भी यही होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी एक्स और माइनस, माइनस के बाद दोबारा से साइन ऑफ इंटीग्रल, ये हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे यहाँ भी, ठीक है, वन डी एक्स और ये पूरे के साथ एक और डी एक्स मौजूद है। समझ में आ रही हो क्या, आई होप बात आपको, आप चाहें तो डायरेक्ट कर दें, कोई ये स्टेप करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट कर दें, आपको समझ में आ गई ना बात के भाई इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको अलग इंटीग्रेट करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, तो आप डायरेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। अब हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल डायरेक्ट मौजूद होता है टेन एक्स, तो हम इसकी जगह लिख देंगे एक्स टेन एक्स माइनस, इसका आ गया आंसर एक्स, क्योंकि साइन ऑफ इंटीग्रल डी एक्स बराबर होता है एक्स के, और ये वाला एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल वन एज इट इज़ रखा, सेक स्क्वायर एक्स को जब हमने इंटीग्रेट किया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास सिंपल टेन एक्स, और वन से मल्टीप्लाई होके टेन एक्स ही आ गया, और जब इसको किया दोबारा सिंप्लीफाई तो इसका आंसर आया माइनस और माइनस हो गई प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल, अच्छा ये वाली साइन ऑफ इंटीग्रल है, अब ये सॉल्व हो चुकी है, ये अंदर मल्टीप्लाई भी हो रहा है डायरेक्ट और इसको सॉल्व भी कर दिया मैंने, पहले सॉल्व किया तो इसका आंसर आया एक्स,
और ये वाली साइन ऑफ इंटीग्रल आ गई। अच्छा ये वाला डी एक्स दोनों के साथ है तो इसको अलग दे देंगे, इसको अलग दे देंगे। अब ये वाला डी एक्स है ठीक है, एक्स टेन एक्स ऐसे ही आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया। अब टेन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखना है तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है एल एन सेक एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव नहीं इंट्रीगल, टेन एक्स का इंट्रीगल होता है सेक एक्स, एल एन सेक एक्स, और साइन ऑफ इंट्रीगल मौजूद है और यहाँ पर है एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन के एक्सपोनेंट में वन ऐड हो जाता है तो ये जाएगी स्क्वायर, और अपॉन में भी आ जाएगा टू, और कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी। तो सिंपल आपके पास ये आ गया आंसर। एक्स टेन एक्स, अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू है। देखें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो इन दोनों के लिए अगर देखें यहाँ पर है माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो टू एलसीएम आ गया, टू पर मल्टीप्लाई हुआ माइनस का टू एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस के टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकाला तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू बचा, ठीक। ये समझ में आ गई बात कि भाई ये दोनों एक्स स्क्वायर हैं तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे माइनस एल एन सेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ये हो गया आपके पास सिंप्लीफाई, पार्ट फोर है एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखें टेन था पहले, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर का इंट्रीगल तो डायरेक्ट मौजूद होता है, हमें इसमें ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शन का आपके पास इंट्रीगल मौजूद है। नाउ आई के इक्वल लेट किया और u को हम रखेंगे x, क्योंकि अल्जेब्रिक और टिग्नोमेट्रिक है तो अल्जेब्रिक और टिग्नोमेट्रिक में हम अल्जेब्रिक को u लेते हैं और टिग्नोमेट्रिक को v, तो u बराबर आ गया x के, u का डेरिवेटिव आ गया बराबर 1 के। इसी तरह v बराबर आ गया किसके, sec स्क्वायर x के। फॉर्मूले में पुट किया u इंटू v, u है x, v है sec स्क्वायर x, और dx बराबर है u यानी x एज इट इज़ साइन ऑफ इंटीग्रल v dx, v है sec स्क्वायर x डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंट्रीगल डेरिवेटिव ऑफ यू साइन ऑफ इंट्रीगल वी डी एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब ये एक्स एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स का इंट्रीगल हम लिखेंगे वो बराबर होता है टेन एक्स के, तो ये मल्टीप्लाई हो गया इससे माइनस ये वाला साइन ऑफ इंट्रीगल और वन एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स का इंट्रीगल होता है टेन एक्स, तो इसकी जगह आ गया टेन एक्स और ये वाला डी एक्स। अब टेन एक्स का भी इंट्रीगल डायरेक्ट मौजूद है तो ये एक्स टेन एक्स ऐसे ही आ गया, माइनस टेन एक्स का इंट्रीगल लिख देंगे एल एन सेक एक्स, और साथ में आ गया प्लस का कॉन्स्टेंट सी। ये तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया, मगर आपकी बुक में जो आंसर गिवन है ना वहाँ यहाँ कॉज है, तो कॉज में इसको चेंज करने के लिए हमें एक दो स्टेप और करने पड़ेंगे। हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम जानते हैं भाई ये एक्स टेन एक्स तो हमने ऐसे ही लिख लिया, अब माइनस साइन एज इट इज एल एन सेक एक्स, तो एल एन सेक एक्स को हम लिख सकते हैं एल एन सेक एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉज एक्स प्लस का सी। वन अपॉन कॉस का जो यहाँ पर है एल एन वन अपॉन कॉज एक्स है, अब ये एल एन ए अपॉन बी है और हम जानते हैं भाई कि एल एन ए अपॉन बी हो वो बराबर होता है एल एन ए माइनस एल एन बी के, तो ये हो जाएगा एक्स टेन एक्स माइनस एल एन वन और माइनस एल एन कॉज एक्स और प्लस का सी, यानी ए अपॉन बी है ना, देखिए ये ए है और ये बी है तो ए इसको अलग दे दिया और इसको बी अलग दे दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई एल एन वन जो है वो हमारे पास
कांस्टेंट होता है, यानी कि ln, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x tan x माइनस, इसको पहले कर ले माइनस माइनस, प्लस ln cos x, इसको मैंने पहले लिख लिया माइनस, प्लस माइनस ln 1, और यहाँ से प्लस का कांस्टेंट c, ln 1 और ये जो कांस्टेंट c है, ठीक है, इसको c1 का नाम दे रहे हैं। ये दोनों ही वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं, ठीक है, इसको हम बराबर ले सकते हैं c के, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। तो ये हो जाएगा x tan x प्लस ln cos x प्लस c, इसकी जगह आ गया पूरा कांस्टेंट c। ये था पार्ट फोर। टेन पार्ट्स हैं इसके, पार्ट फाइव है साइन ऑफ इंटीग्रल 5x अपॉन साइन स्क्वायर 2x और dx। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में जो है ना, यानी डिनोमिनेटर में, एक तो फंक्शन फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर में जो वो साइन है, अब साइन को हमें चेंज करना होगा साइन के रेसिप्रोकल में, तो आके हम सॉल्व कर सके। और हम जानते हैं साइन का जो रेसिप्रोकल है, यहाँ साइन स्क्वायर है, कॉस का तो डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद है, ठीक है, साइन का जो रेसिप्रोकल है कॉस, और कॉसेक स्क्वायर का भी, यानी कॉसेक स्क्वायर का भी मौजूद है, कॉसेक का भी मौजूद है, तो हम इसको ईजिली जो है वो रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर है कॉसेक स्क्वायर एक्स के। यहाँ पे हमने किया लेट आई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंट्रीगल फाइव एक्स, और साइन स्क्वायर टू एक्स की जगह आ गया कॉसेक स्क्वायर 2x और dx, ठीक है भाई, जो भी साइन के साथ होगा ना वो कॉसेक के साथ आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक साइन का। अब u और v ऐड करेंगे, u हमें पता है एलजेब्रिक और टिग्नोमेट्रिक है, तो एलजेब्रिक आ जाएगा u और टिग्नोमेट्रिक आ जाएगा v। नाउ u इक्वल्स टू 5x, डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 और ये एज इट इज जाएगा। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u v का, तो हम जानते हैं साइन ऑफ इंट्रीगल u v dx बराबर होता है u साइन ऑफ इंट्रीगल v dx माइनस साइन ऑफ इंट्रीगल डेरिवेटिव ऑफ u साइन ऑफ इंट्रीगल v dx और dx। अप्लाई करेंगे, u है 5x, v है cosec स्क्वायर 2x, ठीक। अब आगे सॉल्व करें, तो u की जगह अब हम लिखेंगे 5x साइन ऑफ इंट्रीगल, v की जगह लिखेंगे cosec स्क्वायर 2x और dx, माइनस साइन साइन ऑफ इंट्रीगल डेरिवेटिव ऑफ u साइन ऑफ इंट्रीगल v dx और dx। 5x एज इट इज़ आ गया, कॉसेक स्क्वायर 2x है। अब देखें कॉसेक स्क्वायर x होता तो कॉसेक स्क्वायर x का इंट्रीगल डायरेक्ट पॉसिबल है, आप जानते भी कॉसेक स्क्वायर x बराबर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर है, हाँ माइनस कॉट x के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है उसके साथ x नहीं 2x मौजूद है, तो अगर 2x को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें 2x cosec स्क्वायर 2x को, तो 2x को जब हम करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, अगर 2x का डेरिवेटिव 2 आगे मौजूद होगा तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकेंगे इजीली, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 तो हमें पता है ये हम इजीली ऐड सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx बराबर होता है माइनस cot x के। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ डिवाइड करा दिया, साइन ऑफ इंट्रीगल कॉसेक स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई बाई 2 dx माइनस साइन 5 एज इट इज़, यहाँ पर भी एक चाहिए होगा क्योंकि ये दोनों सेम ही इंटीग्रेट होते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर 2x यहाँ पर हमने 1 अपॉन 2 कर दिया, 2x डॉट 2
डी एक्स और ये वाला डी एक्स। अब 5x/2 एज इट इज रहा, कॉसेक स्क्वायर 2x का या ये डेरिवेटिव 2x का आगे मौजूद है 2, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स। अब यहाँ x नहीं है देखें, 2x है तो यहाँ पर भी 2x आ गया। माइनस साइन 1/2 है तो ये हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा इस वक्त 5/2। ये वाला साइन ऑफ इंटीग्रल ये सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया माइनस कॉट 2x और ये वाला dx, तो ये हो गया माइनस बाहर आ गया 5x/2 cot 2x माइनस माइनस बाहर आ गई माइनस माइनस प्लस 5/2। अब cot 2x है ठीक है, तो cot x का इंटीग्रल तो मौजूद है भाई ln sin x, मगर यहाँ पर अब 2x मौजूद है, अगर 2x का आगे डेरिवेटिव मौजूद होगा तभी हम सॉल्व कर सकेंगे। तो हमने क्या किया, हाफ यानी 2 से डिवाइड किया और 2 से जो मल्टीप्लाई करना है वो अंदर कर दिया, cot 2x/2 dx, तो ये हो गया माइनस का 5x/2 cot 2x और ये आ गया प्लस 5 1s 5, 2 2s 4 और इसकी जगह आ जाएगा cot 2x, देखिए 2x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका आ जाएगा ln sin x। अब sin x नहीं है, sin 2x है ठीक है। ये आ गया आंसर पार्ट नंबर 5 का, और प्लस का कांस्टेंट हमने यूज कर लिया c। 5x/2 cot 2x ln sin 2x, आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है ना उस तरह से लिखवा देती हूँ आपको। देखिए क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई वाला इसके साथ रख दिया, डिवाइड वाला यहाँ डिवाइड कर दिया, माइनस 5/4 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉट 2x, तो 2 अंदर 2, 2 2 4 वापस 2 हो रहे, 5/4 ln साइन 2x प्लस सी। अब 5/4 दोनों में कॉमन है, 5/4 कॉमन लिया, यहाँ से बचा माइनस और यहाँ से बचा 2 cot 2x प्लस 5/4 बाहर चला गया ln sin 2x प्लस सी। ये आ गया आपके पास सिंपल आंसर पार्ट नंबर 5 का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पार्ट नंबर 6 है, साइन ऑफ इंट्रीगल कॉस अंडर रूट एक्स और यहाँ पर है साथ में डी एक्स। अब यहाँ पर देखें एक ही आपके पास फंक्शन गिवन है cos√x। अब यहाँ पर एक ही जो है वो फंक्शन मौजूद है वो है cos√xdx ठीक है। तो u और v अब हम क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ पर है cos, पहले हमने लेट किया i के इक्वल ठीक है, तो यहाँ पर आ गया cos √x और dx। अब u और v का यहाँ पर आता है मसला कि u को क्या लें और v को क्या लें, तो u और v को लेने से पहले हम ये देख सकते हैं कि अच्छा यू वी से पहले हम कोशिश करते हैं कि इस अंडर रूट एक्स को कुछ लेट कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला है, इसका डेरिवेटिव लेंगे या बाद में इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि लेट इसको ले लेते हैं हम अंडर रूट एक्स को टी के इक्वल, क्योंकि फंक्शन में यू वी तो वैसे ही यूज़ हो रहा, हम टी ले लेते हैं, टी इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स ठीक है। हम टी को ले लिया हमने अंडर रूट एक्स, तो अब ये हो जाएगा सिंपल कॉस टी फंक्शन ठीक है, ताकि इजी हो जाए हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो क्वेश्चन में
गड़बड़ है ना, गड़बड़ से मुराद ये कि आपको कंफ्यूज करेगा रूट, क्योंकि रूट के एक्सपोनेंट अगर हम लें तो रूट हाफ होती, तो हाफ बार बार आएगा। इससे ज़्यादा बेहतर ये कि हम टी को लेट कर लेते हैं कि टी हमारे पास अंडर रूट एक्स के बराबर है। तो हमारा मेन फंक्शन जो हो गया वो हो गया कॉस टी। अब ये हो गया अंडर रूट एक्स की जगह हमने रख दिया टी, तो ये हो गया कॉस टी। अब डी एक्स को भी तो चेंज करना पड़ेगा। डी एक्स को चेंज करने के लिए हम डी एक्स की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं भाई यहाँ पर सबसे पहले हम रूट ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर कर लिया, यहाँ पर हो गया x। अब आप इसको कर दें डिफरेंशिएट, तो t स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt अपॉन dx, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और 1 ऐसे लेते हैं। अब dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, dx यहाँ डिवाइडर है, वहाँ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो dx बराबर आ जाएगा 2t dt के। अब पूरा फंक्शन हमारे पास रिप्लेस हो गया यहाँ पर t की फॉर्म में, तो हमारा जो बन गया फंक्शन i इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो भाई हो गया ये cos t, और dx की जगह आ जाएगा 2t dt। अब हम इसको कर सकते हैं इजीली, लेट u और v, देखें 2t है और यहाँ पर मौजूद है cos t, तो ये आपके पास अलजेब्रिक है और ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में से अलजेब्रिक पहले आ जाता है, तो इसको ले लेंगे u, और v ले लेंगे cos t को। इसका डेरिवेटिव लेना था तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2। अब हम इजीली फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं u इंटू v के, तो u है 2t और v है cos t, और dt equals to u, u है 2t, sin of integral v dt minus sin of integral derivative of u, sin of integral v dt और again dt। ये 2t एज इट इज़ रहा। अब cos t का डेरिवेटिव हमें पता है कि भाई cos t का इंटीग्रल हमें पता है, cos का इंटीग्रल होता है sin, तो इसके साथ आ जाएगा sin t माइनस, ये sin ऑफ इंटीग्रल 2 एज इट इज़, cos का इंटीग्रल हमें पता है sin होता है, तो आ गया sin t और ये वाला dt। 2 एज इट इज़, t एज इट इज़, साइन टी एज इट इज़ माइनस, 2 बाहर आ गई, साइन टी का इंटीग्रल, तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, माइनस कॉस टी, और ये प्लस का आ गया कॉन्स्टेंट सी। नाउ 2t साइन टी माइनस माइनस प्लस 2 कॉस टी प्लस सी। अब टी की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, हमने टी को अंडर रूट एक्स की जगह लेट किया था, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स प्लस 2 कॉस अंडर रूट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन सिंपल था, बस आपने अंडर रूट एक्स को रिप्लेस किया टी से, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्म में आ जाए, आपको ज़्यादा जो है वो मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव या फंक्शन में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपने लट करके कर लिया, आपको बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ये था पार्ट 6। पार्ट नंबर 7 है ई की एक्सपोनेंट 2x साइन 2x dx। अब देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पर मौजूद है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, किसको हम लेट करें, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है तो इसको लेंगे u और इसको लेंगे v। सबसे पहले लेट करें i इज इक्वल्स टू
की एक्सपोनेंट 2x, साइन 2x और dx। u हम ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक को, वो पहले आ रहा है साइन 2x, और v हम ले लेते हैं e की एक्सपोनेंट 2x को। इसका हमें डेरिवेटिव भी चाहिए होता है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, ठीक है, और x की जगह दोबारा से डेरिवेट करना पड़ेगा कॉस 2x, और 2x को दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos 2x। नाउ अब हम करेंगे फॉर्मूले में पुट। हम जानते हैं साइन ऑफ इंट्रीगल यू वी डी एक्स बराबर है यू साइन ऑफ इंट्रीगल वी डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंट्रीगल डेरिवेटिव ऑफ यू वी डी एक्स और डी एक्स। साइन ऑफ इंट्रीगल यू है साइन 2x, v है e की एक्सपोनेंट 2x और dx इक्वल्स टू u है साइन 2x, साइन ऑफ इंट्रीगल v dx, तो v है e की एक्सपोनेंट 2x और साथ में dx, माइनस साइन ऑफ इंट्रीगल डेरिवेटिव ऑफ u साइन ऑफ इंट्रीगल v dx, और ये फॉर्मूले का दूसरा dx। अब देखिए साइन 2x तो सॉल्व ही नहीं होगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। इंट्रीगल लेना है आपने e की एक्सपोनेंट 2x का, तो देखिए e की एक्सपोनेंट 2x का इंट्रीगल, e की एक्सपोनेंट x का इंट्रीगल e की एक्सपोनेंट x ही होता है, मगर यहाँ 2x मौजूद है। अगर 2x का डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा, यानी 2x का डेरिवेटिव होगा 2, तो अगर आगे 2 मौजूद होगा तो हमारा ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। डिवाइड वाला हम बाहर कर लेंगे, मल्टीप्लाई वाला हम अंदर रख लेंगे। माइनस 2 बाहर ले लिया cos 2x, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब हो जाएगा, देखिए फंक्शन के एक्सपोनेंट जो मौजूद है एक्सपोनेंट, वो आगे उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा इजीली। e की एक्सपोनेंट 2x का इंट्रीगल e की एक्सपोनेंट 2x, माइनस 2 से 2 कैंसिल, साइन ऑफ इंट्रीगल cos 2x एज इट इज, यहाँ पर e की एक्सपोनेंट 2x है, 2x का इंट्रीगल डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो x की एक्सपोनेंट 2x का इंट्रीगल e की एक्सपोनेंट 2x, ठीक है, और ये वाला dx। अब देखा जाए तो ये जो चीज़ है ये अगेन जो है वो यू वी बन गई है, तो इसको दोबारा से लेट करके सॉल्व करना पड़ेगा यू और वी करके। ये तो चीज़ आपके पास सिंपल एक आ गई, इसको हम रहने देंगे यहीं। अब हम दोबारा लेट करेंगे, लेट आई वन इक्वल्स टू साइन ऑफ इंट्रीगल कॉस टू एक्स और ई की एक्सपोनेंट टू एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब इसमें यू वी आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, यू आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा, तो कॉस टू एक्स आ गया यू, और वी आ जाएगा ई के एक्सपोनेंट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे, कॉस का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा, और टू एक्स मौजूद है तो टू एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, माइनस साइन टू एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो आ जाएगा टू, तो ये जाएगा माइनस साइन टू एक्स मल्टीप्लाई बाई टू। अच्छा, टू को शुरू में ही लिख लें, माइनस टू, और ये एज इट इज फॉर्मूले में पुट करेंगे। यू है कॉस एक्स, वी है एक ही एक्सपोनेंट टू एक्स, डी एक्स इक्वल्स टू यू कॉस एक्स एज इट इज, साइन ऑफ इंट्रीगल वी डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंट्रीगल डेरिवेटिव ऑफ यू साइन ऑफ इंट्रीगल वी डी एक्स और ये डी एक्स। फॉर्मूले में पुट कर दिए, सॉल्व करें, कॉस एक्स एज इट इज़, ई के एक्सपोनेंट टू एक्स है। अब ई के एक्सपोनेंट जो टू एक्स है इसको हम इंटीग्रेट जब तक नहीं कर सकते जब तक इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद ना हो एक्सपोनेंट का, तो टू यहाँ डिवाइड भी किया, ई के एक्सपोनेंट टू एक्स डॉट टू डी एक्स माइनस माइनस प्लस टू बाहर, साइन टू एक्स एज इट इज़,
ई के एक्सपोनेंट 2x का इंटीग्रल जब तक नहीं होगा जब तक इसका एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव ना मौजूद हो। तो ई के एक्सपोनेंट 2x मल्टीप्लाई बाय 2 किया, बाहर 2 डिवाइड किया, dx और ये वाला dx। अब ये हो जाएगा इजीली इंटीग्रेट ई के एक्सपोनेंट एक्स 2x का इंटीग्रल ई की एक्सपोनेंट 2x, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2x, ई की एक्सपोनेंट 2x का इंटीग्रल ई की एक्सपोनेंट 2x और ये वाला dx साथ में आ गया। नाउ अब देखें तो ये कुछ क्वेश्चन जैसा बन गया आपके पास। क्वेश्चन क्या था, I इज इक्वल टू ई की एक्सपोनेंट 2x डॉट साइन 2x dx। अगर आप इसे सॉल्व करते रहेंगे तो बार बार ये यही चीज़ आती जाएगी, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे I। तो cos I 1 बराबर आ गया cos x e की एक्सपोनेंट 2x अपॉन 2 प्लस I, ये आ गया सिंपल I के इक्वल। अब ये वाली चीज़ हम पूरी की पूरी I यहाँ जब हमने लेट किया था इसको यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। इसको हमने I 1 लेट किया था, यहाँ आ जाएगी पूरी चीज़। नाउ पुट इट, अच्छा यहाँ पर हम कांस्टेंट 1 भी यूज़ कर लेंगे क्योंकि इंटीग्रेट तो हो गया है। पुट इट इन इक्वेजन 1, तो इक्वेजन 1 में है साइन 2x अपॉन 2 ई की एक्सपोनेंट 2x और ये किसके बराबर है, पूरा आई के बराबर है, माइनस अब इसका आंसर आया है पूरा कॉस एक्स ई की एक्सपोनेंट 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आई 1, ठीक है, कांस्टेंट सी 1। अब कांस्टेंट सी 1 जो है वो बराबर हो जाएगा सी के, क्योंकि मेन हम फंक्शन में आ गए हैं। आई इक्वल्स टू साइन 2x और यहाँ पर है e के एक्सपोनेंट 2x माइनस, ये पूरा माइनस का हो गया cos x e के एक्सपोनेंट 2x अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस I, अच्छा सॉरी ये I 1 नहीं था, ये I था I, ठीक है, और ये माइनस का C 1। अब ये माइनस का C 1 बराबर है किसके, C के, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का I हो जाएगा, I प्लस I हो जाएगा 2I और यहाँ पर 1 अपॉन 2 हमने अलग कर लिया, साइन 2x डॉट e के एक्सपोनेंट 2x माइनस कॉस, सो कॉस 2x यहाँ पर 2 मौजूद था, मैंने कहीं पे भी 2 मेंशन नहीं किया, कॉस 2x वन अपॉन 2 मैंने पहले लिख दिया, e की एक्सपोनेंट 2x माइनस सी 1 आ गया प्लस c की, इसकी जगह प्लस सी, आई प्लस आई होगा 2i। अब ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा सारा, अभी एज इट इज लिख देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 1/4। तो देखिए 1/4 दोनों में ही कॉमन होगा, e के एक्सपोनेंट 2x भी दोनों में ही कॉमन है, तो अंदर बचा यहाँ से साइन 2x और यहाँ से बचा कॉस 2x और ये प्लस का कॉन्स्टेंट सी, ये हो गया सिंप्लीफाई। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, पार्ट 8 है। e के एक्सपोनेंट माइनस एक्स कॉस 2x और dx। अब यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक, एक्सपोनेंशियल और टिग्नोमेट्रिक है, टिग्नोमेट्रिक को u ले लेंगे,
इसको वी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं आई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंट्रीगल ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स कॉस टू एक्स और डी एक्स, यू इक्वल्स टू कॉस टू एक्स, वी इक्वल्स टू ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ से माइनस साइन, और टू एक्स मौजूद है टू एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो टू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा टू, तो इसका हो गया माइनस टू साइन टू एक्स। अब फॉर्म में पुट करेंगे यू इंटू वी, यू है कॉस टू एक्स, वी है ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स और साथ में डी एक्स। यू एज इट इज़ यू है कॉस टू एक्स, साइन ऑफ इंट्रीगल वी ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स, डी एक्स माइनस साइन, साइन ऑफ इंट्रीगल, डेरिवेटिव ऑफ यू साइन ऑफ इंट्रीगल वी डी एक्स और डी एक्स। कॉस टू एक्स एज इट इज़ आ गया, ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स, देखें ई की एक्सपोनेंट एक्स का इंट्रीगल ई की एक्सपोनेंट एक्स ही होता है, मगर यहाँ पर माइनस मौजूद है तो माइनस एक्स का जो आप डेरिवेटिव लेंगे माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस वन, तो माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना भी पड़ेगा माइनस वन से। तो ई के एक्सपोनेंट माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस वन डी एक्स माइनस माइनस प्लस टू ई साइन टू एक्स, यहाँ पर भी ई के एक्सपोनेंट माइनस एक्स, इसका एक्स का माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन डी एक्स और डी एक्स। अब माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस वन से डिवाइड भी किया तो ये चीज़ तो हो गई माइनस कॉस टू एक्स और ई एक्स की एक्सपोनेंट माइनस एक्स का इंटीग्रल ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस टू साइन टू एक्स ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स, आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका इंटीग्रल ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स और डी एक्स। ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी जो है वो यहाँ पर बन जाएगा ये चीज़। अभी हम इसको दोबारा से करेंगे, देखिए अभी ये कि एक्सपोनेंट माइनस एक्स साइन टू एक्स आ गया है दोबारा से, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें करना पड़ेगा लेट, इसको इक्वेशन वन कह देंगे, आई वन इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स ए के एक्सपोनेंट माइनस एक्स और डी एक्स। इसमें यू लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, वी लेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन एक्स का, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस टू एक्स हो जाएगा और टू एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये हो जाएगा कॉ टू कॉस टू एक्स। नाउ फॉर्मूले में पुट करेंगे u v dx equals to u sine of integral v dx minus sine of integral derivative of u sine of integral v dx or ye wala dx sine 2x as it is minus 1 se divide bhi karenge wahi cheez hai bilkul exact। तो बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि भाई देखें इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, इसलिए हम माइनस वन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस टू बाहर आ गया, कॉस टू एक्स ई के एक्सपोनेंट माइनस एक्स, माइनस वन से मल्टीप्लाई भी किया माइनस वन से डिवाइड भी किया तो ये तो हो गया माइनस का साइन टू एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। माइनस माइनस प्लस हो गई, टू साइन ऑफ इंट्रीगल कॉस टू एक्स ई की एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स और ये वाला डी एक्स। देखेंगे पूरा का पूरा आई बन गया, हमने इसे आई के इक्वल लेट किया था, ई की एक्स पर माइनस एक्स कॉस टू एक्स और डी एक्स और ये बराबर है किसके आई वन के।
माइनस साइन टू एक्स ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स प्लस टू, और इसकी जगह आ गया पूरा का पूरा आई प्लस का कांस्टेंट सी वन. नाउ पुट इट इन इक्वेशन वन. इक्वेशन वन में पुट करें तो ये पूरी इक्वेशन वन जो है वो आई के बराबर है. तो आई इज इक्वल्स टू माइनस कॉस टू एक्स ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स माइनस टू माइनस साइन टू एक्स ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स प्लस टू आई प्लस सी वन. अब ये सारा अंदर मल्टीप्लाई होगा. I is equals to minus cos 2x e k exponent minus x minus minus plus 2 sin 2x e k exponent minus x minus plus minus 2 2s are 4i plus minus अच्छा plus minus minus 2c1. अब हम कहेंगे minus का 2c1 बराबर है किसके constant c के. ये 4i यहाँ के plus का 4i हो गया माइनस का था वहाँ i प्लस 4i इक्वल्स टू माइनस कॉस 2x ई की एक्सपोनेंट माइनस x प्लस 2 साइन 2x ई की एक्सपोनेंट माइनस x प्लस c. अब ये 401 5 हो जाएगा. 5i 5 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा फाइव वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो सब में 1/5 दोनों में ही कॉमन आ जाएगा. इसके पास भी कॉमन ले लेंगे. ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स भी दोनों के पास है वो भी कॉमन ले लेंगे. तो 1/5 ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स कॉमन ले ली. अब ये प्लस का ऐसे पहले लिख देंगे तो 2 साइन 2x ई की एक्सपोनेंट x बाहर चली गई. यहाँ से बचेगा माइनस का कॉस 2x और ये प्लस का कॉन्स्टेंट सी. ये हो गया पार्ट 8 भी इंटीग्रेट. आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन. पार्ट 9 है कॉस एल एन एक्स और ये है डी एक्स. अब देखें कॉस के फंक्शन में ही मौजूद है एल एन एक्स. अब देखने में देखें भाई इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना जहाँ पर अंडर रूट आ जाए या कॉस के जो एंगल में एल एन आ जाए तो आपने इसको लेट कर लेना है. ठीक है किसके इक्वल टी के इक्वल ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई हो सके. सबसे पहले हमें लेट करना है कि एल एन एक्स टी बराबर है एल एन एक्स के. अब टी अगर बराबर है एल एन एक्स के आ गया कॉस टी तो ये डी एक्स है इसको भी तो हमें वो करना होगा इन द फॉर्म ऑफ टी. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स बराबर है एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x. अब डी एक्स की वैल्यू निकालिए डी एक्स वहाँ चला जाएगा तो डी टी बराबर आ जाएगा 1/x डी एक्स के. अब अगर गौर करें तो डी एक्स को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए 1/x तो है ही नहीं हमारे पास. जैसे हम 1/x डी एक्स को रिप्लेस करें डी टी से तो ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि dx की वैल्यू हमें निकालनी है. तो ये जाएगा x dt बराबर है dx के. अब हमें इन द फॉर्म ऑफ t चाहिए x तो इन द फॉर्म ऑफ t चाहिए तो हम वापस इसी स्टेप पर आएंगे. देखें इस स्टेप में t बराबर है किसके ln x के. अब ln जब दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो एक्सपोनेंट में चेंज हो जाता है. ln दूसरी तरफ शिफ्ट किया एक्सपोनेंट में चेंज हो गया और जो भी यहाँ पर फंक्शन मौजूद था वो एक्सपोनेंट में चला गया e की. ठीक है और ये बराबर आ गया x के. तो x की वैल्यू आ गई e की एक्सपोनेंट t dt बराबर है किसके dx के. अब ये पूरा का पूरा फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ t रिप्लेस कर देंगे हम. तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos ln x की जगह आ गया t और dt की जगह dx की जगह आ गया e की एक्सपोनेंट t dt. ठीक
ये आपके पास आ गया मेन फंक्शन, जिसे हम इक्वल ले लेंगे आई के। आई इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रल कॉस टी ई के एक्सपोनेंट टी डी टी। अब इसमें से यू और वी सेलेक्ट करना है, तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एल जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसको ले लेंगे यू, इसको ले लेंगे वी। नाउ कॉस का डेरिवेटिव लेंगे, यू का यानी कि डेरिवेटिव लेना ज़रूरी होता है, यू का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन टी की फॉर्म में, तो टी। नाउ फॉर्मूले में पुट करेंगे यू इंटू वी, यानी यू है कॉस टी, ई के एक्सपोनेंट टी डी टी बराबर है यू, यू है कॉस टी, साइन ऑफ इंट्रीगल वी डी टी माइनस साइन, साइन ऑफ इंट्रीगल डेरिवेटिव ऑफ यू, साइन ऑफ इंट्रीगल वी डी टी, और ये एक और डी टी। नाउ कॉस टी एज इट इज रहा, ई के एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव इंट्रीगल ई के एक्सपोनेंट एक्स ही होता है, यानी कि टी होता है टी की फॉर्म में, और माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गई, साइन ऑफ इंट्रीगल साइन टी को एज इट इज रखा, ई के एक्सपोनेंट टी का इंट्रीगल ई के एक्सपोनेंट टी ही होता है, और डी टी आ गया ये वाला साथ में, ये सॉल्व हो गया। साइन ऑफ इंट्रीगल ई टी डी टी बराबर होता है ई के एक्सपोनेंट टी के। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये दोबारा से जो है वो हमारे पास फंक्शन बन गया है यू वी का, तो इसको दोबारा लेट करेंगे, लेट आई वन इक्वल्स टू साइन ऑफ इंट्रीगल साइन टी ई के एक्सपोनेंट टी और डी टी। तो यहाँ पर यू और वी फिर से लेट करना होगा, तो यू इक्वल आ जाएगा किसके, साइन टी के, क्योंकि यहाँ पर अगेन फंक्शन जो है वो मौजूद है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्रिक को हम यू ले लेते हैं, वी ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल को, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टी। नाउ अगेन फॉर्मूले में पुट करेंगे यू इन टू वी, यू है साइन टी, वी है एक्स की एक्सपोनेंट टी, डी टी बराबर है यू है साइन टी, v है e के एक्सपोनेंट t डी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ u साइन ऑफ इंट्रीगल v डी टी और डी टी। अच्छा इसको इक्वेशन वन का नाम भी दिया था साइन t एज इट इज, e के एक्सपोनेंट t का इंट्रीगल e के एक्सपोनेंट t माइनस cos t एज इट इज, एक ही एक्सपोनेंट टी का इंट्रीगल एक ही एक्सपोनेंट टी और ये वाला डी टी। अब ये पूरा देखें आपके पास आई के इक्वल आ गया, साइन ऑफ इंट्रीगल कॉस टी डॉट ई टी एक्सपोनेंट टी डी टी, तो साइन टी डॉट ई के एक्सपोनेंट टी माइनस आ गया यहाँ पर आई, ये आ गई पूरी चीज़ आई, और कॉन्स्टेंट हमने सी वन का नाम दे दिया, ये आई वन आ गया। अब आई वन इसकी जगह पुट करना है हमें आई वन की वैल्यू, क्योंकि हमने इसे लेट किया था आई वन। नाउ पुट इट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करें ये वन, तो आई इक्वल्स टू साइन ऑफ इंट्रीगल, सॉरी साइन ऑफ इंट्रीगल कॉस टी है, कॉस टी ई के एक्सपोनेंट टी प्लस, अब ये पूरी चीज़ आ जाएगी। अच्छा कोई यहाँ पर कोफिशेंट वगैरह नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म कोई नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे सिंपल ये चीज़ लिख देंगे साइन के साथ, क्योंकि साइन भी प्लस की है, साइन टी ई के एक्सपोनेंट टी माइनस आई प्लस सी वन, ये आई वहाँ जाके प्लस का आई हो जाएगा, वहाँ माइनस हो रहा था यहाँ के प्लस करेगा, तो कॉज टी ई की एक्सपोनेंट टी प्लस साइन टी ई की एक्सपोनेंट टी माइनस, अच्छा ये प्लस सी वन बराबर है सी के, तो ये आ गया प्लस का सी, ये हो गया टू आई कॉस टी ई की एक्सपोनेंट टी प्लस साइन टी ई की एक्सपोनेंट टी प्लस का सी। अब ये टू यहाँ मल्टीप्लाई करें वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो आई आ जाएगा
वन अपॉन टू, वन अपॉन टू दोनों में ही कॉमन होगा तो दोनों से ही, क्योंकि दोनों के नीचे होल के नीचे डिवाइड करेगा दोनों के नीचे, तो एक दफ़ा बाहर लिख लिया एक ही एक्सपोनेंट टी भी कॉमन आ रही है, कॉमन ले ली, यहाँ से बचा कॉस टी, यहाँ से बचा साइन टी प्लस का सी। अब वापस रिप्लेस करेंगे टी को, तो ई की एक्सपोनेंट टी जो है वो किसके बराबर था, ई की एक्सपोनेंट टी देखें एक्स के इक्वल था, तो इसकी जगह आ जाएगा एक्स साइन को पहले लिख देंगे, साइन अब टी हमने लेट किया था एल एन एक्स, तो साइन एल एन एक्स प्लस कॉस एल एन एक्स प्लस का कांस्टेंट सी, ये आ गया आपके पास इंटीग्रेट होके। पार्ट नंबर 10 है ई की एक्सपोनेंट ए एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जब हम लेट कर रहे होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम यू लेते हैं और लोगैरिथमिक फंक्शन को सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम वी लेते हैं। सबसे पहले हम इसे आई के इक्वल ले लेंगे, फिर यू और वी सिलेक्ट कर लिया हमने, ये है साइन बी एक्स यू और v है e की एक्सपोनेंट ए एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, अब फंक्शन बी एक्स है बी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा b, तो u डैश आ गया है b कॉस बी एक्स और इसको तो एज इट इज रहने देंगे। अब u इंटू v करेंगे तो u है साइन बी एक्स डॉट e की एक्सपोनेंट ए एक्स डी एक्स इक्वल्स टू यू एज इट इज़, यानी साइन बी एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वी सॉरी साइन बी एक्स एज इट इज़ यानी यू वी का इंटीग्रल डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू साइन ऑफ इंटीग्रल वी डी एक्स और डी एक्स साइन बी एक्स एज इट इज ई के एक्सपोनेंट ए एक्स है। अब ए एक्स का अगर आगे डेरिवेटिव ए मौजूद है तो भाई ये हो जाएगा इजीली इंटीग्रेट, तो ए डिवाइड भी करेंगे क्योंकि ए एज अ कोफिशेंट यूज हो रहा है एक्स का, जब अब ए एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे दोबारा तो यहाँ से ए आएगा, तो ए से मल्टीप्लाई यानी फंक्शन है, फंक्शन की जो एक्सपोनेंट उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा तो फंक्शन ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। बी बाहर ले लिया, बी एज अ कोफिशेंट यूज हो रहा है कॉज एक्स के साथ कॉज बी एक्स, अब ए डिवाइड किया यहाँ भी और ई की एक्सपोनेंट ए एक्स डॉट ए डी एक्स और ये डी एक्स, ये है वन अपॉन ए साइन बी एक्स ई की एक्सपोनेंट ए एक्स, ए एक्स का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो फंक्शन इंटीग्रेट हो गया, ई की एक्सपोनेंट ए एक्स का इंटीग्रल ई की एक्सपोनेंट ए एक्स माइनस बी अपॉन ए साइन ऑफ इंटीग्रल कॉस बी एक्स ई की एक्सपोनेंट ए एक्स का इंटीग्रल डेरिवेटिव आगे मौजूद है ई की एक्सपोनेंट ए एक्स और ये आ गया डी एक्स। अब ये दोबारा से पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो यू इंटू वी की फॉर्म में आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स करके, अगेन दोबारा से लेट करना पड़ेगा, लेट आई वन इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स ए की एक्सपोनेंट ए एक्स डी एक्स, इसमें यू और वी हमें पता है, यू हम कॉस को लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और वी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेंगे, यू का डेरिवेटिव लेंगे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स,
और बी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा बी, तो यू का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस बी साइन बी एक्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन यू इंटू वी, तो यू है कॉस बी एक्स, वी है ई की एक्सपोनेंट ए एक्स और डी एक्स, यू वी डी एक्स। यू पहले रखते हैं तो कॉस बी एक्स आ गया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन बी वी डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू साइन ऑफ इंटीग्रेशन वी डी एक्स और डी एक्स कॉस बी एक्स एज इट इज। अब इसका अगर ए एक्स है यहाँ पर एक्सपोनेंट, अगर ए एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है ए, तो फिर हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकेंगे, तो ए हमने डिवाइड भी किया और यहाँ से ई की एक्सपोनेंट ए एक्स के साथ ए को मल्टीप्लाई भी करवा दिया, माइनस माइनस प्लस भी बाहर आ गया। साइन बी एक्स एज इट इज, ई की एक्सपोनेंट ए एक्स है, तो अगर ए एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है ए और हमने डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई भी किया, तो ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये आ गया कॉस बी एक्स अपॉन ए, ई की एक्सपोनेंट ए एक्स का इंटीग्रल ई की एक्सपोनेंट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए साइन बी एक्स ई की एक्सपोनेंट ए एक्स का इंटीग्रल ई की एक्सपोनेंट ए एक्स और डी एक्स। अब ये पूरी चीज़ देखें तो ये बन गई है आई की इक्वल, ई की एक्सपोनेंट ए एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे आई और कॉन्स्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। आगे सॉल्व करें तो ये पूरा है कॉस बी एक्स अपॉन ए डॉट ई की एक्सपोनेंट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, और ये पूरा साइन बी एक्स ई की एक्सपोनेंट ए एक्स डी एक्स बराबर हो गया किसके आई के, और इसके साथ कॉन्स्टेंट आ गया सी वन। नाउ पुट इट इन इक्वेशन नंबर वन, अब हम इसे इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। नाउ पुट इट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करें, इक्वेशन वन है ये आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए साइन बी एक्स ई की एक्सपोनेंट ए एक्स माइनस बी अपॉन ए। अब ये पूरी चीज़ आ जाएगी इसकी जगह, ये हमने इंटीग्रेट किया था आई वन लेट करके, इस पूरे की जगह अब ये चीज़ आ जाएगी कॉस बी एक्स अपॉन ए ई की एक्सपोनेंट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए आई, और आगे आ जाएगा प्लस सी वन, तो ये वन अपॉन ए साइन बी एक्स ई की एक्सपोनेंट ए एक्स माइनस प्लस माइनस बी अपॉन ए इज अ ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई की एक्सपोनेंट ए एक्स प्लस माइनस माइनस बी बी सा बी स्क्वायर ए इज अ ए स्क्वायर आई माइनस बी अपॉन ए सी वन। सॉल्व करें, ये माइनस का पूरा आके इधर प्लस का हो जाएगा, तो आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वहाँ चला जाएगा पूरा आई है। अभी सॉल्व होगा देन फिर वहाँ चला जाएगा, वन अपॉन ए साइन बी एक्स ई की एक्सपोनेंट ए एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई की एक्सपोनेंट ए एक्स, और यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए सी वन पूरा कॉन्स्टेंट सी के बराबर आ गया। ठीक है, या अभी इसे माइनस बी अपॉन ए सी वन ले लें, आगे और सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आ गया ए स्क्वायर, इधर ए नहीं है डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई हो गया ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई बराबर है वन अपॉन ए साइन बी एक्स ई की एक्सपोनेंट ए एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई की एक्सपोनेंट ए एक्स माइनस बी अपॉन ए सी वन। अब देखें आई कॉमन है
अंदर बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, वन अपॉन ए साइन बी एक्स ई की एक्सपोनेंट ए एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई की एक्सपोनेंट ए एक्स माइनस बी अपॉन ए सी वन। सॉल्व करें फर्दर, ये हर डिवाइड और वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो आई इक्वल आ जाएगा। अच्छा जी, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर ऊपर नीचे ए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स ए की एक्सपोनेंट ए एक्स माइनस, ये ए स्क्वायर ऊपर चला गया बी के साथ, नीचे आ गया ए स्क्वायर ये वाला और ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कॉस बी एक्स डॉट ई की एक्सपोनेंट ए एक्स माइनस, यहाँ पर भी यही पूरी चीज़ हुई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ और इसके साथ है पूरा ए प्लस बी और कांस्टेंट सी वन, और डिवाइड में आ गया बल्कि ए स्क्वायर बी सी वन। ठीक, यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई किया बी के साथ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड किया। अब देखें ए से एक एक्सपोनेंट कैंसिल, ए स्क्वायर से स्क्वायर पूरा कैंसिल, ए से एक एक्सपोनेंट कैंसिल, तो आई इक्वल आ जाएगा। अब कॉमन ले लें, देखें यहाँ पर कॉमन है पूरा ई की एक्सपोनेंट ए एक्स और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन है। अब जो चीज़ कॉमन है वो हमने पहले लिख ली, यहाँ से बचा एक ए और साइन बी एक्स माइनस, यहाँ से बचा बी कॉस बी एक्स और ये पूरा का पूरा यानी कि माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी वन बराबर है कॉन्स्टेंट सी के, इसकी जगह आ गया कॉन्स्टेंट सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये था एक्सरसाइज 6.4 के 10 क्वेश्चंस, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे, वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि ईजिली आप सिंप्लीफाई कर सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।